सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। सुकन्या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में राजकीयकृत सर्वोदय प्लस टू विद्यालय सतबरवा के प्रिंसिपल राम रक्षा प्रसाद के द्वारा पैसे लिए जाने के मामले की जांच शुक्रवार को पाकी के क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी अमृता सिंह तथा सतबरवा बीओ हरेंद्र तिवारी ने की। जांच टीम ने सैकड़ों बच्चों तथा शिक्षकों से बातचीत भी की। सभी ने प्रिंसिपल की कर्तृत्व की परत दर परत कलई खोलते गए। छात्र छात्राओं ने एडमिशन से लेकर रजिस्ट्रेशन तथा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना व परिचय पत्र तथा किताब देने में भी पैसा लेने का आरोप लगाया। जांच के बाद क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी अमृता सिंह ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश पर प्रिंसिपल राम रक्षा प्रसाद पर लगे आरोपों की जांच करने वे पहुंचे हैं। जांच में लगे आरोप सही पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा। दरअसल सुकन्या सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के फॉर्म पर हस्ताक्षर करने के एवज में राजकीयकृत सर्वोदय प्लस टू विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा पैसे लिए की जानकारी सतबरवा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को ट्वीट के माध्यम से दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए पलामू उपायुक्त को निर्देश दिया कि कृपया मामले की जांच कर कार्रवाई करते हुए सूचित करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश है कि हमारी बेटियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ लेने तथा किसी भी जरूरतमंदों को सरकार की योजना का लाभ लेने में दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग से संबंधित मामले की जांच की। सतबरवा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल कुमार ने कहा कि शिक्षा के मंदिर में अगर इस प्रकार के शिक्षक रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। अतुल कुमार ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि बेहतर शासन व्यवस्था का यह एक अच्छा नमूना है। मुख्यमंत्री जी ने एक छोटी सी शिकायत को गंभीरता से लेकर एक अच्छी और सुंदर पहल की है। सतबरवा से बनारसी की रिपोर्ट। सरकारी संस्थान कौन कौन 50 रुपए दिए हैं? हम 100 रुपए दिए हैं। हम भी 100 दिए हैं। तुम दिए कितना जीतो? नहीं, तुमसे भी मांग रहे थे। नाम लिख दीजिए, वो नाम नोट कर लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? पल्लवी कुमार। तुम दिए 50 रुपए? यस सर। तो क्या 50 रुपए तुम 100 रुपए कहाँ दिए? नहीं, इनसे 100 रुपए लिया है। सोनी कुमारी कितना पैसा दिए? दो तुम दो फॉर्म क्यों भरे? दो फॉर्म भरी और दोनों के लिए दो सौ। मन क्या नाम है तुम्हारा? क्या भाई नाम क्लास? तुम्हारा नाम? सोनी कुमार। नोट दोनों भाग लेना। किस क्लास में दोनों है? सरोज किस क्लास में? हमने किस क्लास में पढ़ती है? 12। तुम किस क्लास में है? 11। एक साल के आगे पीछे है ना? कौन का नाम? सुरोज। तुम्हारा नाम? लेकिन सर सुकन्या मतलब सावित्रीबाई फुले वाला का फॉर्म भरने, लेकिन सर दो तीन दिन नहीं भरे। चौथा दिन आया तो सर बोल रहे हैं कि 100 रुपए दो, उसके बाद भरेंगे। तो हम सर को बोले कि सर पैसा तो नहीं लग रहा, लेकिन सर का कहना ये था जब आंगनबाड़ी वाला जो भर रही है वो लेगी तो हम काहे नहीं लेंगे। तो अगर वो ले रही है तो सर का भी लेना है, सर का यही कहना है। और हम लोग को 100 रुपए सर लिए हैं। और कोई समस्या है? और वैसा कोई समस्या नहीं, यहाँ सब विषय के टीचर नहीं है, ये तो सबसे बड़ा समस्या है। सर बोलते हैं कि टाइम पे आने के लिए, हम लोग टाइम पे आ भी जाएं, लेकिन सब विषय पढ़ाई होगा तब ना। एक विषय के लिए हम लोग टाइम पे 9:30 पहुँच जाए, अपना ट्यूशन का समय कैसे वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने शिक्षकों से और बच्चों से स्टेटमेंट ले लिया है और वो सारा स्टेटमेंट हमने रिकॉर्ड कर लिया है और वो सारा स्टेटमेंट हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपेंगे और उसके बाद वो जो भी अग्रतर कार्रवाई करेंगे उनके द्वारा किया जाएगा। हमें सिर्फ जांच के लिए भेजा गया है, जांच प्रतिवेदन उन्हें हमें सौंपना है बस। क्या इनके खिलाफ में मतलब जांच प्रतिवेदन के आए हुए मैडम? जांच में यही है कि वो सारे बच्चों से जो भी होता है एडमिशन हो या कोई स्कॉलरशिप हो या कुछ भी हो उसमें छात्रों से ये अतिरिक्त राशि की वसूली करते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे इन पर आरोप लगाए गए हैं। राजकीय सर्वोदय उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा मेरे पास फ़ोन आ रहा था और उन लोगों ने मुझसे
हर रोज़ कुछ ना कुछ शिकायतें आ रही थी, कभी एडमिशन को लेकर, कभी सुकन्या योजना को लेकर, कभी नामांकन को लेकर, तो कभी टीसी को लेकर। तो मैं बहुत दिनों से ये नोटिस कर रहा था, फिर मैंने अंततः कल प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि सर एक गरीब बच्चा है, आप उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, आप उसका एडमिशन सर करवा दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ, फिर उन्होंने उनका एडमिशन करवाया नहीं। मैं फिर से उनको बोला कि सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर एक बार इसको देख लेंगे। उसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने एडमिशन को लेकर बच्चों से 2000 रुपये की डिमांड की थी और सुकन्या योजना में साइन करने को लेकर 100 रुपया मांगा जा रहा था। ये बिल्कुल ही गलत और बिल्कुल ही अनुचित था। तो उसके बाद मैंने इसे बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया और मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय जी को इस मामले से अवगत कराया ट्विटर के माध्यम से, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे त्वरित संज्ञान इस पर लेते हुए और आदरणीय डीसी सर को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और सत्यता प्रमाणित कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सही कुछ नहीं है सर, यहाँ पे किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। बाकी सब प्रायोजित कार्यक्रम मुझे कुछ नहीं पता है, मैं किसी से पैसा नहीं लिया। सर कुछ लोग कहते हैं कि आमोआ में चर्चा है और कुछ शिक्षकों भी आपके विरोध में आवेदन दिए हुए हैं, उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? शिक्षक भाई, शिक्षकों की समस्याएं हैं तो भाई हमसे आकर के मिले, सबसे पहले तो हमसे उनको मिलना चाहिए, उसके बाद ना कहीं चलो तो उन लोग जाएं।